खुशी बात ये है कि कोई बच्ची नहीं ट्राई हो रही, समा के पास वादू बच्चियाँ वो कॉल कर रहा है तो अभी देख भाई देखेंगे कॉल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज ईद का दूसरा दिन है, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने जैसा कि पिछले व्लॉग में देखा था कि भोजन बकरा लेके आए थे, तो अभी बकरी की कुर्बानी करनी है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे प्रोफेशनल कसाई भी रेडी हो गए हैं और ये छोटा कसाई भी रेडी हो गया। हाँ जी, ईद खत्म होगी तो ये हमारा छोटा कसाई भी रेडी हो गया, ये बड़ा कसाई है। ईद मुबारक शुरू, आप पिछले ब्लॉग में नहीं आए, बोलो ईद मुबारक, बोलो ईद मुबारक, ईद मुबारक। तो मीठा ने बहुत जबरदस्त पुलाव बनाया, तो अभी आते हैं और खाते हैं। मजेदार। तो अभी हम इसे अल्लाह की राह में कुर्बान करने लगे हैं। चलो प्यार करो बकरे को, प्यार करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हमने कर दी है, अब गोश्त वगैरह बनाना है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आप उसके बाद। ये आप देख सकते हैं, आपको हरकत महसूस हो रही है, ये क्या करें। सुभान अल्लाह। चीजें पड़ी हैं उन्हीं को उठा के इधर कर रहा है। या अल्लाह, चेक करें माशाल्लाह। अभी भी ये चेक करें, अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे इस गोश्त के अंदर ना जान बाकी है। अल्लाह पाक फरमाता कुरान पाक में कि अकल रखने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। अभी कुर्बानी हो चुकी है, तकबीर हो गई है, लेकिन अभी भी ये चेक करें, हम तो नहीं हिला रहे इसे, खुद हिल रहा है। ये देखो, ये चेक करें, पीछे भी हिल रहा है, ये पीछे भी हिल रहा है, ये भी हिल रहा है, ये चेक करें। देखो जी, एकदम चेहरा हो गया चेंज। आज ईद डे टू, आज हम आए हुए हैं फोर्ट्रेस लुचू लफंगो की तरह। मेरे साथ हैं भट्ट साहब और सलमान रियाज। आम बने हुए हैं, आम का सीजन है तो आम वाला कलर बना हुआ है। तो चलो जी, अभी हमारे दिन में कोई प्लान नहीं है कि आगे जाके क्या करना है क्या नहीं। एक ही हाल है, ओ डर गए, ओ डर गए। यार रश बहुत ज्यादा, सुफियान क्या करना है, ओ डर गए। रश बहुत ज्यादा यार, चेक करो रश, बताओ उस रश में हम जा सकते हैं नहीं जा सकते। यार जॉयलैंड जाना था, रश इधर बहुत लग रहा है, सारा पाकिस्तान इधर ही आ गया हुआ है। दूसरी बात ये है कि कोई बच्ची नहीं ट्राई हो रही, समा के पास वादू बच्चियाँ वो कॉल कर रहा है तो अभी देख भाई देखेंगे कॉल कर रहा है, अभी कोई ना कोई हाजिर हो जाएगी। ये नाती काश का हाथ है ठाकुर। आप लोगों को पता है ईद का दिन है तो रश कितना ज़्यादा है, सो बट फिर भी ट्राई की जा रही है कि कोई रेंज मिले, किसी से बात हो, बट स्टिल नो रिस्पॉन्स। कोशिश करते हैं, अगर ना कोई सीन बना तो फिर एक हाल है, ओनली सिनेमा, फिर वहाँ जाएंगे हम। सारे अपने अपने रेफरेंस लड़ा रहे हैं, सुफियान अपना रेफरेंस लड़ा रहा है, लेकिन कोई लड़की नहीं मिल रही। देख लो यार, कोई सीन नहीं बन रहा। तो भट्ट साहब, हमेशा की तरह आज छड़े होने पे अफसोस हो रहा है, आज छड़े होने पे अफसोस हो रहा है। आप कहते हैं फैमिली डे है, आप उधर नहीं जा सकते। हमने कहा ठीक है भाई, लोग यहाँ से काफ़ी लोगों को रिक्वेस्टिंग करके चले गए, काफ़ी रेफरेंस वगैरह लगवाए, लेकिन नहीं बना काम भाई। आज आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, टाइम देख लो 2 घंटे हो गए हैं, लेकिन ना हम उधर जॉयलैंड इन हो सके हैं, ना हम स्क्वायर मॉल में हो सके हैं, बिकॉज हमारे साथ लड़की नहीं है। एक दो को हमने ट्राई की है बट इम्पॉसिबल, कोई सीन नहीं बना, वो इधर है नहीं, कोई खाला की तरफ गया, कोई चाचू की तरफ गया, पता नहीं क्या सीन है। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि भाई जान, किसी भी इवेंट वाले दिन आप लोग आते हो ना, तो फैमिली को साथ जरूर ले आना। आई मीन जलील हो गए आप, बट साहब आप क्यों होते हो, हम जलील हुए आज। हाँ मैंने तो यार पास आपको करवा के दिए थे ना, लॉट ऑफ जलालत काटी है यहाँ, बहुत ज़्यादा हमने जलालत काट दी है। अब हम
जाते हैं कुछ खाते पीते हैं यार। अब हमने सोच लिया है जब हम चलते हैं KFC कुछ खाते हैं और घर चलते हैं भाई, इवेंट वाले दिन ना आना। हाँ। ये बंदा ऐसा है, इसको हमने कहा कि यार KFC चलते हैं या मैकडोनल्ड्स चलते हैं, डील खाते हैं। कहना पहले मैंने फ्री का पानी तो ला पाने, ये पानी तो देख दो दाल रोटी ठीक है, साथ ही सादा पानी और पराठा भी ले लिया और नान भी पकड़ लिया, सलाद भी पकड़ रायता। भाई जान इतना रश है कि हमें सिर्फ खाली टेबल मिला है, आगे सारा फुल है साइड पे, इसलिए कहता है सबर कर दो। सबर क्या यार, उसके बाद फिर कहाँ बिजी हो जाना था यार। नहीं ये KFC का बंदा मंगवा लिया। जी जी मैं वो सारा बिल करवा। ये KFC का बंदा है भाई, KFC के बंदे का फायदा हो गया हमें आज। जब बंदा जलील हुआ हो ना तब लिटरली खाने का मजा बहुत ज्यादा आता है, ये ट्रू है कि नहीं? इससे भी बात है। मज़ेदार। फाइनली भाई जान सब कुछ खत्म शर्म कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बाटी इधर देखें, जिंदाबाद की एफसी पुत्र मजाक। देख लो जॉयलैंड का ये सीन है, ये डिस्कवरी चेक करें, फुल हुआ अंदर सारे ये चेक करें, इसलिए हमने यहाँ का सीन ऑफ किया। वैसे भी हम अंदर जाना पॉसिबल नहीं था हमारा। फौजी कुर्बानी का बकरा लेने चले गए। अच्छा कहंदा पाजी सोना है कहंदा नहीं सोना, तू क्या सोना कहंदा नहीं सोना, अगो बकरे कहंदा चलो तुसी कुर्बानी करनी है रिश्ता देना। कहंदे चाची नू ना नो स्मोकिंग बड़ा अच्छा लगता है, मतलब जेड़ा सिगरेट पींदा सी ना वो बंदा उन्हें चंगा नहीं लगता सी, जेड़ा कोई सिगरेट सुटदा सी ना भज के जाके पैर नप जांदा सी भज के जाके। तो एक दिन किसी बंदे ने खूह च सिगरेट सुटती, बोला उदन दा गया हिरदा वापस। सो ये था आज का व्लॉग, छोटा ही व्लॉग था, जलील बहुत हुए, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा और एंड वाले झुकते हैं तो लेवल ही हो गया। इसका कमेंट अच्छा लगेगा उसको ब्रेड मिलेगा KFC। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अपने बच्चों को व्लॉग के पॉइंट से दूर रखें, कोई ज्यादा गंदी बात लगे तो कमेंट में नीचे करें, उसे अवॉइड किया जाएगा। शुक्रिया।